जी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा छठवी के गणित विषय का पाठ एक पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, इसको जानने से पहले हमको क्या जानना आवश्यक है? हमको जानना आवश्यक है कि अंक क्या होते हैं, अंकों को जोड़ना, अंकों को घटाना, अंकों का गुणा करना, अंकों का भाग करना, ये सब क्या होता है? समूह में उपस्थित चीज़ों की, मतलब एक साथ जो बहुत सारी चीज़ें होती है उनको कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अगर जब तक हमको अंकों का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कक्षा छठवीं में अगर हम लोग बात करते हैं गणित का अध्ययन कैसे किया जाता है, गणित का अध्ययन तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि गणित जो है वो क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो जितनी सारी समस्याएं हैं अंकों को लेकर या फिर चीज़ों को लेकर, उन सब का हल कौन करता है? गणित। गणित को हम पढ़ाई नहीं कर सकते, गणित जो होता है हमको सिर्फ समझ सकते हैं हम गणित को कि वो कैसे जोड़ा जाता है, कैसे काउंटिंग किया जा सकता है, कैसे समूह में उपस्थित चीज़ों की संख्या ज्ञात किया जाता है, आकार, माप, परिमाप, सारी चीज़ें किससे संबंधित होती है? गणित से संबंधित होती है। तो गणित क्या होता है, जब हम लोग कक्षा छठवीं के पार्ट एक में प्राकृत संख्या है उसमें चीजों क्रियाकलाप एक देखते हैं अगर, तो क्रियाकलाप एक में क्या दिया हुआ है, ये चारों चित्र दिए हुए हैं, फूल के समूह का, बॉल के समूह का, पत्तियों के समूह का और चश्मा के समूह का। तो इन समूहों में उपस्थित चीजों का, इन समूहों में उपस्थित जितने भी चीज़ें हैं उनकी कितनी कितनी संख्या उस समूह में उपस्थित है उसको कैसे जानेंगे हम, उसको काउंटिंग करके, उसको गिनती करके, है ना। तो हम लोग दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ों का संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उनके गिनती करके, ठीक है। तो इन फूलों का समूह है उसमें देखते हैं कि कितने फूल उपस्थित है, एक, दो, तीन, चार और पाँच, कितने संख्या उपस्थित, कितने संख्या में फूल उपस्थित है, पाँच की संख्या में उपस्थित है। उसके बाद कितना है? बॉल है, बॉल का समूह देखते हैं इसमें कितने संख्या में बॉल उपस्थित है, देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 और 5, ये भी कितने की संख्या में उपस्थित है, 5 की संख्या में उपस्थित है। उसके बाद देखते हैं पत्तियों की संख्या, 1, 2, 3, 4 और 5, पत्तियाँ भी कितने के समूह में उपस्थित हैं, 5 के समूह में, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने के समूह में उपस्थित है, 5 के समूह में उपस्थित है। ये क्या हो गया, अंकों को जोड़ना, समूह में उपस्थित चीज़ों के अंकों को जोड़ना और गिनती करके हम उनके संख्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग कैसे देखते हैं, आपके पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है कि जो राधा है उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या करते हैं, तेंदू का पत्ता का संग्रहण करते हैं। तो तेंदू के पत्ता के संग्रहण में उनको कैसे पता चलता है कि कितने के पत्तियां हैं, तो वो क्या करते हैं, 50-50 के समूह में तेंदू के पत्ते को अलग अलग रखते जाते हैं, ठीक है। तो 50-50 की गड्डियाँ बनाते हैं 50-50 संख्या के पत्ताओं, पत्तियों का, और उस संख्या को अलग अलग रखते जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे क्या हुआ, कितनी गड्डियाँ बनी 50-50 के संख्या की, तो देखेंगे ये 50 की संख्या हो गई, फिर ये 50 की संख्या की गड्डियाँ हुई, फिर ऐसे ही 4 गड्डियाँ उसने, जो राधा है उसने अलग रखी, ठीक है। 4 गड्डियों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितने की संख्या प्राप्त हुई, ये हो गया 100, ये हो गया 100, 100-100 को मिलाकर कितने हो गए, 200। तो हम अंकों को पहले समूहों में उपस्थित चीज़ों को जोड़ेंगे, गिनती करेंगे, फिर उन गिनतियों को गड्डियों में बनाकर जोड़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, उस समूह में उपस्थित चीज़ों की सही संख्या का अनुपात या सही संख्या जितनी भी वहाँ पे उपस्थित है उनका ज्ञान हमें हो जाता है। और ऐसे गड्डियाँ, छोटी छोटी गड्डियाँ बनाकर हम लोग बड़े से बड़े गिनतियों, बड़े से बड़े समूहों में उपस्थित चीज़ों की गिनती, गणना कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग क्या किए, समूह में उपस्थित चीज़ों की गणना करते हैं, ठीक है। तो गणना करने के लिए हम अंकों का सहारा लेते हैं, अंकों का यूज़ करते हैं, तो अंक जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्याओं के समूह को n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे भी हम लोग प्राकृत संख्या लिखेंगे वहाँ पे n इज इक्वल टू जितने भी प्राकृत संख्या होगा उसको लिख देंगे। अब प्राकृत संख्या क्या क्या कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है? टोटल प्राकृत संख्या है। ये जितने भी संख्या हैं ये गणना के लिए यूज होते हैं और इन्हीं संख्याओं से छोटी और बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़े से बड़े जो अंक होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। बड़े से बड़े अंकों वाली संख्या इन्हीं से बनती है। इन्हीं नंबरों को क्या बोलते हैं? इन्हीं संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। कौन होती है सबसे छोटी प्राकृत संख्या? 1। इसके पहले और कोई भी प्राकृत संख्या हमको ज्ञात नहीं है। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। गणना, गणित में गणना कहाँ से स्टार्ट होती है? इसी 1 से गणना स्टार्ट होती है। अब देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं गणना करने के लिए, एग्जाम्पल या उदाहरण बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे कितने चेयर रखाए हुए हैं, कितने कुर्सी है, इसको हम लोग कैसे गिनती करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 या फिर ये बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। फिर क्या बोलेंगे? 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे कुल कितने कुर्सी उपस्थित हैं? 10 कुर्सियाँ उपस्थित हैं। इसकी जानकारी हमको कैसे हुई? इसकी गणना हम लोग कैसे किए? प्राकृत संख्या को जोड़ कर किए, ठीक है। प्राकृत संख्या की गणना करके इसकी संख्या हम लोग ज्ञात किए, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये है प्राकृत क्रियाकलाप 2। आपके पुस्तक में दिया होगा क्रियाकलाप 2, उसमें क्या है? अच्छा, कक्षा पाँचवीं, हम लोग अब कक्षा पाँचवीं पढ़ के आए हैं तो हमको पता है कि घटते क्रम क्या होता है और बढ़ते क्रम क्या होता है। घटते क्रम मतलब क्या होता है? जैसे अगर 9 दिया हुआ है आपको और इसका घटते क्रम ज्ञात करना है तो क्या होगा? पिछला मतलब पुराना, घटते मतलब क्या होता है? कम होना, घटना मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कम होना। तो घटते क्रम में इसका घटते क्रम क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 9 से छोटा कौन सा होता है? कौन सी संख्या होती है? 8। 8 से छोटी संख्या कौन होती है? 7। 7 से छोटी संख्या कौन होती है? 6। इसको क्या बोलेंगे? इसका घटते क्रम बोलेंगे। और अगर इसके बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। बढ़ते मतलब होता है बढ़ना, घटते मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो बढ़ते क्रम की अगर बात करेंगे तो कोई भी संख्या दिया होगा उसको घटते क्रम में अगर हम लोग को रखना है तो उसके पहले जो संख्या आएगी उसको हम लोग घटते क्रम में रखेंगे, उसके पहले और जो संख्या आएगी उसको घटते क्रम में रखेंगे। और बढ़ते क्रम में क्या होगा? जो संख्या अगर 9 दिया हुआ है, उसके बाद 10, 8 दिया हुआ है, उसके बाद 7 दिया हुआ है, तो बढ़ते क्रम में कैसे रखेंगे? 7 पहले आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। इसको क्या बोलते हैं? घटते क्रम और बढ़ते क्रम। घटते क्रम और बढ़ते क्रम को भी हम लोग एक सिंबल से, एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उस चिन्ह को कैसे बोल सकते हैं, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? ये क्या है? ये 9 है और ये 8 है। तो इसको अगर हम लोग बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करना है तो ये जो खुला मुंह वाला सिंबल होगा वो क्या होगा? जो चिन्ह होगा वो 9 के तरफ होगा और जो 8 होगा वो क्या होगा? छोटे, अगर ये छोटा है, घटते क्रम है, तो इसके साइड होगा, ठीक है। अगर हम लोग घटते क्रम की बात करेंगे तो क्या होगा? इसका सिंबल ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बराबर संख्या की बात करते हैं, अगर 9 और 9 दिया हुआ है तो इस ये क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। अब इस क्रियाकलाप को हल करके देखते हैं। इसमें आपकी संख्याएं दी हुई है इस कॉलम में, इस कॉलम में उस संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखा गया है और इस कॉलम में क्या रखा गया है? घटते क्रम में रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। बढ़ते क्रम में रखा है, ठीक है। इसमें क्या है? 9,
बढ़ते क्रम में रखा है तो इसमें कहा है नौ, नौ सबसे छोटा है, देखो नौ के बाद क्या है, नौ के बाद है बारह, यहाँ आ गया बारह, बढ़ा हुआ ना, नौ से क्या हुआ बड़ा, बारह हुआ। उसके बाद कौन सी, बारह के बाद कौन सी संख्या बड़ी है, तेरह, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आ गया तेरह, ठीक है। तेरह के बाद कौन सी संख्या बड़ी हुई है, यहाँ पे आएगा पंद्रह, ठीक है। पंद्रह के बाद कौन सी संख्या आएगी, पंद्रह के बाद आपकी आएगी अठारह, ठीक है। अठारह के बाद कौन सी संख्या आपकी आएगी, देखो चेक करो, उसके बाद आएगी सत्ताईस, सत्ताईस कहाँ लिखा है यहाँ, सत्ताईस के बाद क्या आएगा इकतीस, ठीक है। इकतीस के बाद अंत में क्या आएगा उनचास, ये क्या हो गया बढ़ते क्रम में हुआ। अब देखते हैं इसका घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या जो होगी वो पहली होगी और सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगी सबसे अंत में होगी। पहले क्या आएगी उनचास, फिर 31, 31, फिर आएगा 27, फिर आएगा 18। इसको हम लोग उल्टा रख देंगे क्योंकि ये तो हम लोग बढ़ते क्रम में लिखे ही हुए हैं, इसको क्या करेंगे घटते क्रम में लिख देंगे। फिर आएगा 13, फिर आएगा 12 और फिर आएगा 9, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो इन सबसे जो संख्याओं का समूह है उसमें सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है देखते हैं, ये है 33, ठीक है। यहाँ क्या आएगा सबसे पहले 33, 33 के बाद कौन सी संख्या आएगी, उसके बाद 98 आएगी, 62 आएगी, 49 आएगा या 107 आएगा, तो कौन सी संख्या आएगी 33 के बाद 49, ठीक है। 49 के बाद कौन सी संख्या आएगी 62, 62 के बाद आएगी 98 और 98 के बाद आएगी सबसे बड़ी वाली संख्या 107, क्लियर। अगर इसी को घटते क्रम में रखेंगे तो ये वाला जो कॉलम है हम लोग उसको उल्टा कर देते हैं, 107 सबसे बड़ा है, फिर घटते क्रम में देखेंगे तो 98, 98, 98 के बाद 62 जिसको बोलते हैं 62, 62 के बाद आएगा 49 जिसको बोलते हैं 49, उसके बाद आएगा 33, 33, ठीक है। आप देखते हैं थर्ड नंबर का कॉलम, थर्ड नंबर के कॉलम में सबसे छोटी सी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 25, 25 के बाद कौन सी संख्या है 57, 57, 57 के बाद कौन सी है 67, 67, 67 के बाद कौन सी है 75, 75 और 75 के बाद क्या है 78, 78, ठीक है। ये क्या हो गया इसकी बढ़ते क्रम में गिनती हो गई, काउंटिंग हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसका घटते क्रम, पहले क्या आएगा 78, फिर 75, फिर 67, फिर 57 और ये आ गया 25। ये वाला जो बढ़ते क्रम है उसका उल्टा क्या होता है, घटते क्रम होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, ठीक है। अब सबसे अंत में देखते हैं आखिरी वाला एग्जाम्पल, उसका बढ़ते क्रम कैसे निकालेंगे हम लोग। इन सब संख्याओं में देखेंगे सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 103 है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 103। उसके बाद कौन सी संख्या है 113, 113। उसके बाद कौन सी संख्या छोटी है 131, 301 या 331, तो क्या है 131, 131। उसके बाद कौन सी संख्या है 301, मतलब 301, 301 के बाद कौन सी संख्या आएगी 331, 331, 331। ये क्या हो गया इसका बढ़ते क्रम हो गया। अब घटते क्रम कौन सा होगा, अब इसको हम लोग उल्टा लिख देंगे, 331 पहले होगा, फिर 301 होगा, फिर 131 होगा, फिर 113 होगा और फिर 103 होगा, ठीक है। अब हम लोग समझ गए बढ़ते क्रम और घटते क्रम, पहले कक्षा में जो पढ़े थे वैसा ही है। अब देखते हैं इस पाठ के अंत में प्रश्नावली, हम लोग क्या पढ़े इस पाठ में उसको अब हल करके देखते हैं कि हमको ये पाठ समझ में आया कि नहीं आया, और इसके बाद हमारा ये वाला पाठ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हम लोग को पता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, एक है, जहाँ से गणना शुरू होती है, ठीक है। अब देखते हैं 4,600 41,600 तथा
41006 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 41600 बड़ी होगी कि 41006 बड़ी होगी? हमको पता है कि 6 जो होगी वो छोटी संख्या होगी और जो 600 होगी वो क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। तो 41600 जो है वो क्या है? बड़ी है। किससे? 41006 से। अब देखते हैं ये उपयुक्त चिन्हों में जो आपका क्या होता है, बढ़ते क्रम, घटते क्रम या फिर बराबर का प्रयोग करना है किसमें? इन सब बॉक्सेस में, इन सब संख्याओं को देखकर इनको हल करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा बराबर है। क्लियर? अब देखते हैं 45 और 21। पहला देखते हैं 45 और 21, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? 45 बड़ी है। तो मुंह किसके तरफ खुला होगा इसका? इसके तरफ, 45 की तरफ होगा, क्योंकि ये किससे बड़ा है? 21 से बड़ा है। ठीक है, फिर 543 और 345 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो हम लोग को पता है कि 500 वाली संख्या बड़ी होगी, 300 वाली संख्या उससे छोटी होगी। ठीक है, तो किसके तरफ मुंह खुला रहेगा इसका? बड़ी संख्या के तरफ, 543 के तरफ। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। एक तरफ लिखा है 15, दूसरी तरफ लिखा है 15, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये बड़ी होगी, बढ़ते क्रम में संख्या होगी, छोटी संख्या होगी कि ये बराबर संख्या होगी? तो ये क्या होगी? बराबर होगी। 15 और 15 अगर दो चीज़ों की गड्डी बनाकर हम लोग 15 और 15 रखेंगे तो वो क्या होगी? एक दूसरे के बराबर होगी। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह का उपयोग होगा? बराबर का उपयोग होगा। ठीक है, आप देखते हैं चौथा नंबर, 5304 और 5340, उसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी? 4 बड़ी होगी। कि देखो 5300 तो कॉमन हो गया, ठीक है, बराबर हो गया, एक जैसा हो गया। अब देखते हैं अंत में क्या है, 4 और 40, तो 4 बड़ी होगी संख्या में कि 40 बड़ी होगी? तो हम लोग को पता है 40 बड़ी होगी, तो इसमें कौन सा सिंबल होगा? 40 वाले के तरफ, 5340 के तरफ खुला मुंह वाला सिंबल होगा, खुला मुंह वाला चिन्ह प्रदर्शित होगा। अब देखते हैं इसकी नंबर 5 की बात करते हैं, इसमें क्या है, 10991 दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ दिया हुआ है 10091, तो ये 10000 तो कॉमन हो गया। अब कौन सी संख्या बची? 991 और 191 बचा। ठीक है, तो जो 991 है बड़ा है कि वो 91 बड़ा होगा, तो क्या होगा? 991 जो होगा वो बड़ा होगा। अब देखते हैं नंबर 6, 99876 और एक तरफ दिया हुआ है 99786, तो इसमें क्या कॉमन हो गया? 99000 जो हो गया वो एक जैसा हो गया। अब देखते हैं आगे की संख्या, 8876 और 786, कौन सी संख्या बड़ी होगी? 800 की लाइन वाली संख्या बड़ी होगी कि 700 की लाइन वाली संख्या बड़ी होगी? तो हमको पता है 800 की लाइन वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो किसके तरफ खुला मुंह वाला चिन्ह प्रदर्शित करना है हमको? 99876 के तरफ। ठीक है, ये हो गया तीसरा वाला क्वेश्चन कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 बोलता है कि 1 से जब 100 तक के बीच की संख्याएं लिखते हैं हम, तो उसमें 9 का प्रयोग कितनी बार करना पड़ता है? तो हम लोग काउंट करके देखते हैं, गणना करके देखते हैं कि हम 1 से 100 तक की संख्या जब लिखते हैं तब हम लोग 9 का प्रयोग कितनी बार करते हैं। तो सबसे शुरू हम लोग कब करते हैं? एक वाले लाइन में 1 2 3 4 5 जब हम शुरू करते हैं गणना लिखना, तब 9 आता है। ये कितने बार हो गया? एक बार। जब 11 वाला लाइन हम लोग लिखते हैं, 11 12 13 14 वाला लाइन, तो इसमें 19 में आता है एक बार 9। ऐसे ही 21 में जब हम लोग 29 लिखते हैं 21 वाले लाइन में, तब आता है एक बार। फिर आता है 39 में एक बार, फिर आता है 49 में एक बार, फिर आता है 59 में एक बार, फिर आता है 69 में एक बार, फिर आता है 79 में एक बार, फिर आता है 89 में एक बार 9 का प्रयोग, फिर आता है 90 में एक बार 9 का प्रयोग, फिर 91 में एक बार, 92 में 93 में एक बार, 94 में एक बार, 95 में एक बार, 96 में एक बार, 97 में एक बार, 98 में एक बार और 99 में आता है 2 बार प्रयोग। हम अगर सारी गणनाएं देखते हैं तो अब इसको गणना करते हैं कि हम 9 का प्रयोग कितने बार करते हैं 1 से 100 तक की संख्या लिखने में। ठीक है, अब काउंट करते हैं हम लोग कितने बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अट्ठारह, उन्नीस और बीस। हम लोग एक से जब 100 तक की संख्या लिखते हैं तो उसमें 9 का प्रयोग हम लोग कितनी बार करते हैं? 20 बार। तो इसका उत्तर क्या होगा? 20। प्रश्न 5 क्या बोलता है? चार अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच का अंतर निकालिए। तो चार अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? 9999 होगी चार अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? वो होगी 100। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालना है। मतलब 9999 में हमको क्या करना है? 100 घटा देना है। अब देखते हैं कैसे घटाएंगे। 9 में 0 कम किए तो कितना हुआ? 9। ठीक है, फिर 9 में 9 किए तो क्या हुआ? 9 में 0 कम किए तो क्या हो गया? आया 9। 9 में 1, 9 में 1 कम किए, 1 घटाए तो कितना आया? 8। और उसके बाद 9 का 9 क्या हो गया? एज इट इज नीचे आ गया, सेम टू सेम नीचे आ गया। तो क्या कितना आया हमारे पास आंसर? 9899। इसमें क्या होगा? 9899 इसका क्या होगा? चार अंकों के सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और 3 अंकों के सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? 9899। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पाइए अंग्रेजी मीडियम की नर्सरी, LKG और UKG की क्लासेस, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ। और पाइए हिंदी मीडियम के 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की क्लासेस, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये क्लासेस अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त रहेंगी और अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस के लिए हमको स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सीजी शिक्षा ऐप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सीजी शिक्षा गूगल प्ले में सीजी शिक्षा ऐप करके आप सर्च करेंगे, टाइप करके उसके बाद आपको किस इस प्रकार का लोगो आपको शो होगा। आप इसको डाउनलोड करके हमसे क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।